अभी कह रहा हूँ सर मैं कि किसी की भी बड़ी बड़ी बातों में नहीं आना है कि लॉटरी लग गई, वो लग गया, ये लग गया। जिसकी लॉटरी लगेगी ना वो अपना भी खुश हो जाएगा। एक लोग कहते हैं सर डिलीवरी इतनी उड़ गई है, हर शेयर में बैठ जाएंगे लेकिन डिलीवरी इतनी उड़ गई है, इसने इतना रिटर्न दे दिया है। भाई रिटर्न जिसको दिया है उसने किसको दिया, हमें मिलेगा रिटर्न? आप एक सवाल से मैं आपसे पूछता हूँ कि हर एक शेयर प्रॉफिट दे रहा है, 290 पे जब TTML गया तो उसने किसी ना किसी को तो प्रॉफिट दिया होगा, जिन्होंने नीचे खरीदा होगा किसी ना किसी को तो उसने प्रॉफिट दिया ना, उसमें हम शामिल हैं कि नहीं है ये देखना चाहिए। एक फिल्म बन रही है उसमें कोई हीरो है ही नहीं आपके पसंद का, और फिल्म लग रही है और उसमें आपका फेवरेट हीरो है नहीं, उसमें पोस्टर में हीरो आपको दिख गया, आप फिल्म देखने गए उसके अंदर आपको वो आपका हीरो दिखा ही नहीं, फिल्म जितनी भी अच्छी हो आप उसे बेकार ही बता दोगे, आपका हीरो तो उसके अंदर था ही नहीं। तो यही ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब तक कि आपको खुद की चीज़ें ना मिले तो दूसरों की चीज़ें पे आपको विश्वास नहीं करना है। कि कोई कह दे कि भाई इसकी इतनी डिलीवरी उठ गई, इतना रिटर्न दे रहा है, आपको कितना मिला है, मुझे कितना मिला है, हमें इस पर विश्वास करना पड़ेगा। और जब तक कि हम इस पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कि हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो अब बात करेंगे यस बैंक की। एक बात मैं आपको बता दूं कि यस बैंक ने आज ना तेजी के संकेत दिखा दिए। जहां यस बैंक को आज की उम्मीद गिरने की थी वहां पर इसने 1 रुपये छलांग मारकर दिखा दिया। लोग सोच रहे हैं हो क्या रहा है, लोग सोच रहे हैं कि 3 मार्च को इसका लॉकिंग पीरियड खुलेगा और जिन बैंकों ने 10 रुपये में शेयर खरीदे वो क्या इसको अब 17, 18, 19 रुपये में निकालेंगे। ये वीडियो मैंने कल आपके लिए बना दी थी, लेकिन जिस तरीके से इसके अंदर फिर से तेजी के संकेत उत्पन्न हुए हैं तो सबसे पहले आप ये सोच लो कि अगर इसके अंदर वो निवेशक बाहर निकलेंगे, यानी कि बैंक बाहर निकलेंगे जिन्होंने 10 रुपए में इसके अंदर से शेयर को खरीदा है, तो वो इसमें से लॉस लेकर निकलेंगे या प्रॉफिट लेकर निकलेंगे? वो तो इसके अंदर से 60% का प्रॉफिट में बैठे ही हैं। वो अगर बाहर निकले तब होता टेंशन की सर कि उन्होंने इस बैंक को संभाला और संभालते ही ये बैंक ना बिल्कुल बर्बाद हो गया। जहां उन्होंने 10 रुपए में शेयर को लिया था वहां पर अब ये 7 रुपए में होता, यानी कि अब 7 रुपये में शेयर चल रहा होता और तब ये इस टाइम बाहर निकलते 7 रुपये में, तब तो बहुत टेंशन वाली बात थी। लेकिन उन जिन बैंकों ने इसको संभाला है वो इसके अंदर से साल 3 साल का विलंब करके 3 साल का इंतजार कर प्रॉफिट में निकल रहे हैं। ये आपको सोचना है कि बैंक प्रॉफिट में है और प्रॉफिट से ही वो निवेशक अलग हो रहे हैं जिन्होंने इसको संभाला था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैंक मजबूत है। बैंक तब बेकार होता कि जब बैंक बिल्कुल डूब रहा था, कुछ भी काम ना करता, फिर निवेशक इसके अंदर से निकलते तो कहीं ना कहीं एक मनसा बन जाती भाई यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन जब अगर इसके अंदर से ये निवेशक निकले तो हो सकता है गिरावट भी हो, लेकिन मेरा मानना है ये शेयर 15 रुपये से नीचे नहीं आ सकता। वो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इसके अच्छे सपोर्ट 15 रुपये में ही बन रहे हैं। लेकिन अगर ये शेयर गिरावट दिखा दे ऊपर जाने के बाद तो 1 से 2 रुपये दिखाएगा, लेकिन अगर आप समझ जाएं कि इसको संभालने वाले सिर्फ प्रॉफिट में ही बाहर निकल रहे हैं, लॉस में नहीं निकल रहे हैं, तो ध्यान रखना आगे जाकर बैंक बहुत अच्छा काम करेगा। हर चीज़ बैंक की अच्छी है, पर एक ये 3 मार्च की चीज़ हट जाए ना फिर तो इसका ना चीज़ें ही सब कुछ सही हो जाएगी। ध्यान रखना कि हमें हर चीज़ ना समझ लेनी चाहिए सर, कि अगर हम डॉक्टर के पास अपना दांत दिखाने गए और उसे कह दे कि हमारी आँख में दर्द है तो वो तो आपको आँख की दवाई दे देगा, दांत का दर्द सही नहीं होने का। दांत का दर्द इसलिए सही नहीं होने का, आपने सोचा दांत का दर्द बताऊँगा कहीं वो और कुछ उखाड़ उखोड़ ना दे मेरे दांत को। तो कुछ लोग इस तरह से भी होते हैं कि जिस चीज़ को दिखता है उसे वो बताते नहीं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो भी आपका मर्ज है वो आपको दिखना चाहिए, जो भी आपकी बीमारी है डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। क्योंकि जब तक के हम आंखों देखी चीज़ पर विश्वास नहीं करते फिर हम अपने को गुमराह कर रहे हैं। तो ये 3 मार्च का जो भी चीज़ें होंगी उसके अंदर आप समझ के ही चलोगे ये शेयर गिरेगा, और जब आप ये समझ लोगे कहीं ना कहीं इसके अंदर से आपको प्रॉफिट आएगा। तो अब आपको ये समझना है कि जो भी बैंक इसके अंदर से निवेशक बाहर निकलेंगे वो अपना प्रॉफिट लेकर ही बाहर निकल रहे हैं, ना कि इसके अंदर से अपना लॉस लेकर। तो तब जाकर आप इसके अंदर से अच्छा पैसा कमाने की उम्मीद से आगे बढ़ जाओगे।